किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो ये शरीर की त्वचा यानी स्किन के नीचे मौजूद पानी का तापमान बढ़ा देता है, जिससे असहनीय दर्द होता है। माइक्रोवेव ओवन में आपका खाना भी इसी प्रकार से तैयार होता है, जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की सतह बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती लेकिन अंदर ज्यादा गर्मी होती है। और जिस व्यक्ति पर इस माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए उस दर्द को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। अमेरिका ने ऐसे ही हथियार को अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया था, तैनात किया था। वर्ष 2014 में चीन ने अपने माइक्रोवेव हथियार को दुनिया के सामने रखा था। हालांकि लद्दाख में ऐसे किसी माइक्रोवेव हथियार से भारत के सैनिकों पर हमला नहीं हुआ है। असली मोर्चे पर लड़ने के बदले चीन की सेना अब आभासी दुनिया में फेक न्यूज वाला युद्ध कर रही है, ताकि दुनिया में उसे भी एक सुपर पावर माना जाए। दुष्प्रचार ही चीन का सबसे बड़ा हथियार है और इसके लिए चीन दूसरे देशों की जासूसी से लेकर चाइनीज कंपनियों द्वारा बनाए गए मोबाइल एप्स का इस्तेमाल करता है। अमेरिका की एक सुरक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक टिकटॉक जैसे एप्स की मदद से चीन अपना प्रोपेगेंडा फैला सकता है। ये एप्स खास एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और चीन की कंपनियों के ये एप्स दावा करते हैं कि आपका निजी डेटा सुरक्षित यानी एनक्रिप्टेड है। हालांकि चीन की कंपनियां अपना पूरा डेटा चीन की सरकार के साथ शेयर करती हैं और चीन की सरकार इनका इस्तेमाल करके दूसरे देशों में भी इन एप्स की मदद से तेजी से अपने प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं। यानी ऐसे एप्स का इस्तेमाल करने वाले लोग भी चीन के दुष्प्रचार का हिस्सा बन सकते हैं अनजाने में। अब हम त्रासदी